आर्थिक आजादी को पहुंचाए यह नहीं सिखाया था। हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के अभियान में हमें सफलता तभी मिल सकती है जब हम कंपनी के ट्रेनिंग को प्रत्येक दिन अटेंड करें, अपनी टीम को भी अचूक अभेद उद्यमी सफल लीडर बनाएं। दोस्तों, किसी ने कहा है कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। सिर्फ सोच लेने से, 100-200 का टीम निर्माण कर लेने से आप कभी सफल नहीं बनोगे। उसके लिए हमें प्रत्येक दिन सीखना होगा एवं सिखाना होगा, तभी हम ही नहीं हमारी टीम भी एक कमांडो की तरह इस अभियान में सफल हो सकती है। हमारे लिए गर्व की बात है दोस्तों कि हमारे टीम के मुखिया हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर आर के मनोहर सर, जिनका 1.5 लाख प्लस का टीम होते हुए भी आज दिन भर एक ही काम है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग और ट्रेनिंग। सुबह 5:30 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक सिर्फ सीखते हैं, सिखाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। आपकी टीम आपकी इनकम तभी तक बढ़ती है जब तक आप स्वयं ट्रेनिंग का हिस्सा होते हो। सिंपल बात को एक बार दोस्तों समझेंगे तो कार का एक्सीलेटर, जब तक आप एक्सीलेटर को दबाकर रखोगे कार गतिमान रहेगी, और जैसे आपने एक्सीलेटर से पैर को उठाया आपकी कार थोड़ी दूर जाकर रुक जाएंगी। ऐसे आपको प्रत्येक अवसर को समझना होगा, सीखना होगा और समझना होगा। सीखोगे तो जीतोगे और सीखते रहोगे तो एक सफल लीडर आर के मनहर की तरह दूसरों को भी जीतने में सफल बनाओगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आइए इस सेशन में इनवाइट करूंगा कमांडो ट्रेनिंग को परिपूर्ण निभाने के लिए जो हमारे बीच आ रहे हैं मिस्टर आशीष साहू सर, जो दिल्ली से है, जिन्होंने हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में सफलतापूर्वक अपनी टीम का निर्माण तो किया ही किया, साथ ही सीलिंग एचीवर पद को प्राप्त करते करते अपनी टीम में भी सीलिंग एचीवर का निर्माण किया। ऐसे उद्यमी एक सफल एक ग्रेट मेंटर ग्रेट लीडर मिस्टर आशीष साहू सर को मैं निवेदन करूंगा कि आज की कमांडो ट्रेनिंग को परिपूर्ण निभाए। प्लीज वेलकम ग्रेट लीडर मिस्टर आशीष साहू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने बहुत ही बेहतर तरीके से हमें इनवाइट किया महेश्वरी जी, थैंक यू सो मच। सेशन में आज का बहुत ही शानदार गजब का सेशन होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक। और आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 10 स्टेप जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। माय डियर लीडर्स, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जैसा सर ने बताया, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई हम लोगों के बीच में कि बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने हमारे बड़े सपने तो जगाए, लेकिन उन सपनों को लगातार कैसे हमें पूरा करना है ये उन्होंने कहीं ना कहीं वो एजुकेशन बिल्डअप नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो भी चले गए और हमें भी वहां से आना पड़ा। किसी ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। जी हाँ, कई लोगों की शिकायतें होती है सर, फिर वही सपने, फिर वही बातें बार बार। मैं कहता हूँ ये जीवन का नियम है, बार 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 करना ही पड़ता है। किसी संस्कृत की एक लाइनें हैं, करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। मेरा परिचय, मेरा नाम आशीष कुमार, मैं बिलोंग करता हूँ दिल्ली से, और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज से 7 महीना पहले मुझे भी ग्रेट ग्रेट जो आज पूरे हिंदुस्तान में और नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लीड कर रहे मिस्टर राजकुमार मनहर जी ने मुझे बताने का प्रयास किया, लेकिन एक सिस्टम के साथ में कनेक्टेड था तो ज्यादा फोर्स उन्होंने नहीं किया और वो चल दिए अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो वो सोचते थे। और 6-7 महीने बाद मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में और बेहतर तरीके से समझने का मौका मिला और मैंने इस काम की फिर से शुरुआत करी। आज से लगभग 25 दिन पहले मैंने जब इस काम का साइन अप किया, ऑनलाइन फॉर्म को सबमिशन किया, तो कहते ना कि एक अपने ग्रेट लीडर्स होते हैं, हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, पावर बन चुका होता है, फिर भी पता नहीं मेरे अंदर क्यों ऐसा वो अंदर से ऐसी कोई आवाज आएगी कि नहीं यार मुझे पावर वर की जरूरत नहीं है, बस आप एक नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन कीजिए और मुझमें अगर कुव्वत होगी, मुझमें अगर वो क्षमता होगी तो मैं फिर से वो इतिहास रचने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पड़ूंगा। और मेरा सौभाग्य है, मैं थोड़ा सा नाम लेना चाहूंगा, उसके बाद ट्रेनिंग सेशन को शुरू करूंगा, मिस्टर राजकुमार मनहर जी के साथ साथ में हमारे जो पटेल जी हैं, जो बहुत अच्छा हर बार सेशन के अंत में गाना गाते हैं, मेरे को उनकी वो एक एक लाइनें दिल पे लगी, दिल पे छुबी छुबी, इसलिए क्योंकि यार इतने कम टाइम में एक ऐसा जेन्युइन प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मार्केट में है तो मैं कहां लगा हुआ हूं, मुझे भी कर दिखाना चाहिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे हमारे और आपके जैसा। तो आइए चलते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन में।
मैं आप लोगों के बीच में, और जो भी हैंड राइज कर रहे हैं प्लीज अपना डाउन कर लें, और बाद में जो हैंड राइज करके कुछ कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली कह सकते हैं। आइए चलते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन में। वेलकम माय ऑल फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे द्वारा आज का ये सेशन आपके बीच में टीम टाइगर के माध्यम से ध्यान पूर्वक देखिएगा कि ऐसे कौन से वो चीज है जो आपको सफलता तक लेके जा सकती है। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस सफलता, मतलब भाई बहुत सारे लोग पूछते हैं सफलता है क्या। एक छोटा सा कहानी, एक सुकरात एक बहुत ही अच्छे दार्शनिक हुआ करते थे और उनका एक शिष्य था, उन्होंने उनसे पूछा कि आखिरकार सफलता क्या चीज है, मुझे बताइए कैसे सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि सुबह सुबह 4 बजे उठना और मेरे पास आना, फिर मैं बताऊंगा आपको सफलता क्या चीज होती है। तो उनका शिष्य उनके साथ में अगले दिन सुबह सुबह वो 4 बजे उठता है और कहता है कि गुरुजी बताइए मुझे कि सफलता आखिरकार क्या चीज होती है। उसने बोला कि अच्छा आ गए आप, आइए चलते हैं नदी के पास। वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए नदी के पास में गए, फिर अपने वस्त्र अपने कपड़े उतारे और बोला कि चलो अब थोड़ा सा नहा लेते हैं। और जैसे ही वो स्नान करने के लिए नहाने के लिए उस नदी के पानी में जैसे ही जाता है तो वो सुकरात जी क्या करते हैं, उसका जो मुंडी होता है गर्दन पकड़कर उसके अंदर पानी के अंदर जोर से दबाते हैं। तो कहते हैं अरे बाप रे, अरे गुरुजी मैंने आपसे सफलता का राज पूछा था, आप तो मेरी जान लेने में तुले हुए हो। तो बोला कि जिस तरीके से अभी आप पानी के अंदर छटपटाहट हो रही थी कि एक बार ये ऑक्सीजन वाला सांस मुझे मिल जाए, जितनी तेजी से आपको लगा था कि वो सांस मिल जाए, मैं फिर से एक बार अपने जीवन को ठीक से जी पाऊं, ऐसा कुछ महसूस किया आपने? बोला हाँ गुरुजी। तो बस वही छटपटाहट अगर आपके अंदर है तो आपको निश्चित रूप से बड़ी सफलता प्राप्त हो पाएगी, और उसके लिए उतनी ही तेजी से। वो कहते ना कि गरीबी ये मिडिल क्लास फैमिली में अगर हम बिलोंग करते हैं, बिल गेट्स कहते हैं ये कहानियां ये बातें बार बार आती है, एक बार ध्यान पूर्वक समझिएगा, बिल गेट्स कहते हैं कि गरीब घर में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है लेकिन गरीबी में मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। उसके लिए कोई एफर्ट नहीं किया, लोग क्या कहेंगे, अरे फिर से शुरू हो गए यार, वो उस कंपनी का क्या हुआ, आप इसमें आ गए, अरे भाई कुछ तो कर रहा है यार। आपने देखो को बहुत सारी बैंकें मर्ज हो गई, जैसे देना बैंक बन गया बैंक ऑफ बड़ौदा, विजय बैंक बन गया बैंक ऑफ बड़ौदा। तो विजय बैंक वाला कर्मचारी कहेगा अरे यार मैं तो दूसरे बैंक में जाऊंगा नहीं, मैं तो मरूंगा जीऊंगा साला विजय बैंक के साथ में, तो तू मर जा वहीं, वो बैंक ही खत्म तो तू भी खत्म। लेकिन अगर उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया तो विजय बैंक का मैनेजर बन गया बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजर। समझिएगा जीवन में अगर एक नौकरी चली गई तो ऐसे तो थोड़ी होता है अरे नहीं सर अब मैं कहां नौकरी ढूंढूंगा, ढूंढना पड़ेगा। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को अलग क्यों समझते हैं आप? आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई दिन भर मेहनत करता है, मजदूरी करता है, नौकरी करता है और वो कमा के 500 या 1000 रुपए लेके आता है, ये उसकी तनख्वाह बनती है 10-15 हजार रुपए, और कोई नेटवर्क मार्केटिंग से 15 हजार रुपए कमाता है। दोनों पैसों को एक साथ में रख दीजिए, क्या दोनों में कोई उनका मूल्यांकन करेंगे तो क्या डिफरेंट पाएंगे क्या? मैं कहता हूँ कामयाबी के लिए चाहे ट्रेडिशनल मार्केट में काम कीजिए, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में काम कीजिए, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग में काम कीजिए, वो उतनी वैल्यू उतनी क्षमता लेता ही है। एक महान लीडर कहते हैं कि अगर आपको किसी कंपनी में काम को कर रहे हो और आपको 5,000-10,000 रुपए से ज्यादा पे आउट नहीं बन रहा है तो कंपनी उसको पूछता है कि ये तो भाई कंपनी बड़ी खराब है, इतना ही देती है इतना मेहनत करने के बाद, तो कंपनी खराब नहीं है, तेरी औकात उतनी है इसलिए उतना ही मिलता है। अपनी औकात, बुरा मत मानिएगा, अपने औकात को बढ़ाने की जरूरत है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे, मैं मानता हूँ कि आप किसी कंपनी में कभी 5 लाख रुपए महीना कमाते थे लेकिन आप किसी कंपनी में अभी आप 50,000 रुपए महीना भी नहीं कमा पा रहे, तो आपने समय के साथ साथ में अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, आपने इंफॉर्मेशन नहीं लिया। एक जमाना था कि बड़े बड़े सेमिनार होते थे, बहुत बड़ा भीड़ होता था, 500, 1,000, 2,000, 3,000 एक साथ बैठते थे, लेकिन अब जमाना जूम मीटिंग का आ गया है, गूगल मीट्स का आ गया है, टेलीग्राम में भी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, व्हाट्सएप में भी मीटिंगें चालू हो चुकी हैं। तो बदलते जमाने में जब भी घर बैठकर ही काम किया जा सकता है तो मीटिंग सेमिनार में क्यों जाना। तो आइए चलते हैं, व्हाट इज द सक्सेस? सक्सेस का मैंने एक खास राज बताया, बेहतर भारत बेहतर बिजनेस के लिए मैं ट्रेनिंग में हूँ। क्या आप ट्रेनिंग में हैं? इस बात को हमेशा याद रखिएगा और हमेशा कहीं सीखने को मिले तो जरूर कनेक्ट होइएगा। आइए चलते हैं आगे, टीम वर्क। टीम वर्क ये क्या है? टीम बनाना क्यों जरूरी है? अगर आप जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अकेले नहीं कर सकते हैं, बिना टीम के आप बड़ी कामयाबी को प्राप्त बिल्कुल नहीं कर सकते। टीम का फुल फॉर्म समझिएगा, मैं
जो मैंने इसमें समझा है, टीम बनाने से हमें टाइम मिलता है और एक्स्ट्रा काम करने का टाइम मिलता है और मल्टीपल काम करने का टाइम मिलता है। अगर अभी कोई नौकरी कर रहा है या कोई अपना ट्रेडिशनल मार्केट का कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई शॉप चला रहा है, तो वो सुबह जाएगा 9 बजे 10 बजे अपना शॉप सेटअप ऊपर करेगा, फिर उसके बाद दिन भर बैठेगा, फिर शाम को 6 बजे 7 बजे वो सेटल डाउन करेगा, और दिन भर में वो पैसे आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, कौन सी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप किसी टीम वर्क में काम करना शुरू करते हैं तो आप जो काम 1 घंटे की जगह 8 घंटे लगा रहे थे तो वो काम आप 1 घंटे में कर सकते हैं। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है, मल्टीप्लाई तरीके से आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। और उसके साथ साथ में आगे चलते हैं ई एक्सपीरियंस। अभी एक्सपीरियंस क्या, हमें टीम के साथ काम करने से एक्सपीरियंस मिलता है। बहुत सारे हमारे साथ में ऐसे लीडर्स होते हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में 15 साल 20 साल अपने जीवन की व्यतीत किया और बहुत कुछ सीखने के बाद सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला, या फिर प्लेटफॉर्म तो मिला लेकिन सही मेंटरशिप नहीं मिला। मेंटर कौन होता है, जिसने आपको ज्वाइन कराया, हो सकता है वो बहुत कम जानता हो, ज्यादा जानता नहीं हो इसके बारे में, वो बिल्कुल फ्रेशर हो, लेकिन मेंटर वो होता है जो दिन दुगनी रात चौगनी गति से एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन, जो अपने चेक के साइज को बार बार बदल रहा है, वो कुछ ना कुछ अचीवमेंट लेके आ रहा है, वो ऐसा कर कैसे रहा है, ये आपको हमें सीखने की जरूरत पड़ती है। तो हमेशा आप एक ऐसे मेंटर अपलाइन के सानिध्य में काम करें तो वो आपको बड़ी सफलता तक लेके जाएगा। अपने टॉप के 3 एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन के मोबाइल नंबर अपने पास में रखें, हो सकता है आपका इमीडिएट अपलाइन कहीं बिजी है, किसी कारण से फोन नहीं उठाया, तो अरे क्या करोगे ऐसा नहीं बोलना है, आप उनके एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन से कंसल्ट करें, उसके ऊपर भी कोई अपलाइन है उनसे बात करें और अपना जो भी सॉल्यूशन है उसको ले, या फिर कोई भी सवाल हो या कोई भी अच्छी चीजें आपके विचार आ रही हैं आप साझा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक बार अपलाइन से बात करें, फिर उसके बाद में अपने सहयोगी पार्टनर जिसे डाउनलाइन कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, उनसे आप डिस्कस करें। तो हमें टीम के साथ साथ में एक अनुभव आता है, इस वजह से अनुभव आता है क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस होल्डर लीडर्स होते हैं जिन्होंने हजारों लाखों लोगों की टीम को किसी जमाने में लीड किया है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो क्या जानता है, वो भी बहुत कुछ जानता है, हमें उनसे भी सीखना चाहिए। हमारी नजरिया बदलती है, ए यानी एटीट्यूड। आपको अपना एटीट्यूड को बदलने के लिए कुछ ऐसे नजरियेदार लोगों के संपर्क में रहना होता है जो इस सिस्टम के माध्यम से लगातार अपने चेक के साइज को बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े वो सेमिनार में शामिल हो रहे हैं, वो हजारों हजारों लोगों की टीम को लीड कर रहे हैं, तो उनका कैसा नजरिया है। कई लोग कहेंगे अरे यार अब कहाँ है लोग, अगर लोग कहाँ नहीं होते तो आज हजारों कंपनियों में हजारों लोग नहीं होते जो 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए महीने की इनकम को जनरेट कर रहे होते। बस वो कहते हैं ना विनाशकाल विपरीत बुद्धि, जब आपका माइंड काम करना बंद कर देता है ना, जब आपको लगता है नहीं यही बढ़िया है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, 2-2 साल हो गए 10,000 रुपए का बराबर पे आउट नहीं बना पा रहे हो, तो इसमें किसी की गलती नहीं है। गलती अगर है या सोच अगर आपकी अपनी खुद की है तो किसी और को दोष नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते मेरे को अच्छा अपलाइन नहीं मिला, मेरे को अच्छा कुछ नहीं मिला। मैं बताऊं जिस कंपनी में मैं काम करता था, वो कंपनी में जिस व्यक्ति ने मुझे बताया था उस सिस्टम के बारे में, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उनकी वजह से लास्ट ईयर लगभग 15 लाख रुपीज का अर्निंग मैंने किया, लेकिन वो कभी जिंदगी में जूम मीटिंग में मैंने कभी उनको नहीं देखा। मैं भी बहाने कर सकता था यार मेरा तो अपलाइन जूम में आता नहीं है, मेरा तो अपलाइन ट्रेनिंग में आता नहीं है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले उस व्यक्ति का जिसने मेरे माइंड के अंदर मेरे आत्मा में नेटवर्क मार्केटिंग का बीज बोया, तभी से मैं समझ चुका था कि अपने हिस्से की लड़ाई मुझे खुद करनी है। अक्सर मैं कहता हूँ कि कुछ जोश यूं पैदा करो जिंदगी के वास्ते, यूं मजाकिया होश में जिंदगी नहीं कटा करती। सबसे आज की डेट में एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अगर दुनिया का सबसे नंबर वन प्लेटफॉर्म अगर आपको कोई काम कर रहा है तो वो है हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग, जहां पर अगर आदमी एक दिन में डिसीजन लेकर काम की शुरुआत करे और 1 महीना लगातार काम को करे तो हर एक व्यक्ति यहां से सीलिंग अचीवर बन सकता है, 5,000 पर डे की इनकम जैसे एक अच्छे लेवल पर पहुंच सकता है। आप भी कर सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो अपने एटीट्यूड को बदलिए, नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे और दिशा बदलोगे तो दशाएं बदल जाएंगी। अकेले हो तो विचार पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। आइए चलते हैं आगे। टीम बनाने से पैसों की आजादी होती है।
जी हाँ, जब टीम मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है तो पैसे की आजादी कैसे होती है भाई? आप किस लिए टीम बना रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग की बात को अगर मैं साइड में रख दूं, कोई कंस्ट्रक्शन में काम करने वाला व्यक्ति पहली बार आता है तो वो लेबर का काम करता है, फिर वो टेक्निकल चीजों को समझता है, फिर वो वहां पर बन जाता है मिस्त्री, मिस्त्री बनने के बाद में वो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर देता है, ठेकेदार बन जाता है। वो गांव का कम पढ़ा लिखा व्यक्ति शहर में आकर इन सब चीजों को करना शुरू किया। अब एक साल दो साल के बाद में देखेंगे तो उसकी 10 साइडें चल रही है, और 10 साइडें चल रही है तो एक साइड में अगर 10 लेबर उसके काम कर रहे हैं, पहले वो 8 घंटा 10 घंटा वो खुद काम करता था, लेकिन अभी 10 साइडें और 10 लोग तो लगभग 100 लोग काम कर रहे हैं उसके। अगर वो सुबह 8 बजे वो 100 लोग ड्यूटी पे जाते हैं, यानी उनके यहाँ पर काम कर रहे हैं वर्कर, तो उस व्यक्ति के लिए सिर्फ मैनेजमेंट करने का काम रहता है। अच्छा, कौन सी साइड में सीमेंट खत्म हो गया है, ये एक नॉर्मल आधारभूत बातें बता रहा हूँ। कौन सी साइड में ईटी की जरूरत है, कहाँ पर जो है कि सरिये की जरूरत है, बस वो मैनेजमेंट कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। अभी वो 100 लोग भी अगर 1-1 घंटा काम करते हैं तो उस व्यक्ति के लिए 100 घंटा काम हो जाता है। अभी सोचिए, वो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति शहर में आकर एक बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन करने वाला बन गया, एक ठेकेदार बन गया, कॉन्ट्रेक्टर बन गया, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अभी भी जॉब अप्लाई कर रहा है, और किसी रायपुर या दिल्ली जैसे या भोपाल जैसे शहर में जाने के बाद में गलती से किसी फैक्ट्री में वो काम करना शुरू करता है। गलती से क्या, मजबूरी होती है, क्योंकि टेक्निकल दिमाग वाला आदमी वो इधर पढ़ाई में टेक्निकल लगाया है उसने दिमाग, अभी वो वहां पर फैक्ट्री में काम करता है। सुबह निकलता है वो 9 बजे और रात को 9:30 बजे घर आता है। इवन मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ करने के लिए बोल देते कई फैक्ट्रियों के अंदर। ये इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाला व्यक्ति अगर वहां पर कहीं जॉब करता है तो आप में से हम में से कितने सारे लोग इस जूम सेशन में बने होंगे जो फैक्ट्री में भी काम करते हैं, तो किस हालात में वो काम करते हैं, पूछिए उनसे, उनसे पूछिए तो सही 10-12 हजार रुपए कमाने के लिए बेचारा कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और आपको हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के साथ में चाहिए 1.5 लाख रुपए महीना, 5,000 पर डे एवी नहीं मिल जाता। ऐसे अगर हंसते खेलते सभी को पैसा मिल जाता तो ये देश पहले से ही आर्थिक रूप से संपन्न होता, हम में से कोई गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करता। सीखने की बहुत जरूरत है, हमें सीखना पड़ेगा, जितना ज्यादा लर्निंग करेंगे उतना ज्यादा अर्निंग आएगा। कह रहा अरे 15 साल की पढ़ाई करने के बाद, पहले 10+2 12th किया मैंने, उसके बाद में 3 साल ग्रेजुएशन किया, अभी भी सीखना है क्या? जी हाँ, अभी भी सीखना है। अभी भी वो लोग सभी सीखते हैं जो महान लोग होते हैं, जो लीडर लीड कर रहे होते हैं। लीडर्स का मतलब खाली ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही लीडर नहीं होते, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को संचालित कर रहे हैं, चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे अडानी हो, ये भी एक लीडर है जो लीड कर रहे हैं। तो आप भी ऐसी सोच को रखना पड़ेगा, वो पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ में, उनके पास 5 साल का एक ऐसा चार्ट, दूरदृष्टि, एक विजन तैयार है, उस पर काम चल रहा है। लेकिन आपके पास कल क्या करोगे अगर ये वाला विजन है ही नहीं, तो भी आपको बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। उसको आज ही सोचिए, मुझे कल क्या करना है, मुझे इस महीने कब सीलिंग अचीवर बनना है, मैं कितने दिनों में 5,000 पर डे की इनकम को टच कर पाऊंगा, ये सारी प्लानिंग करनी होगी। और प्लानिंग किसके साथ? डाउनलाइन के साथ नहीं, पहले अपलाइन के साथ। जिसने बिजनेस में आपको इंट्रोड्यूस किया है उसके एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन से बात करें, सर मुझे इतने दिन में चाहिए, मैं इतने लोगों को जानता हूँ या इतने लोगों की मेरी लिस्ट है, अपनी लिस्ट भी बनाइए, तब आप अपने अपलाइन से बात कीजिए। डेफिनेटली वो रास्ता बताएगा कि वो खुद एक सीलिंग अचीवर है, वो लगातार 5,000 पर डे की इनकम को टच कर गया है। तो यहाँ पर टीम बनाने से पैसा आता है, पैसा मल्टीप्लाई तरीके से आता है। खुद मेहनत करोगे तो, खुद काम करोगे तो पैसा आएगा, लेकिन जब टीम बन जाएगा और टीम के साथ में उनके सपनों को जगाने के लिए, उनको सीलिंग अचीवर बनाने के लिए काम करोगे, तो आप खुद ब खुद एक बार नहीं कई कई बार सीलिंग अचीवर बन जाएंगे, जैसे राजकुमार मनहर जी बन चुके हैं आज की डेट में। तो आइए चलते आगे। मैंने आपको बताया ये 3 रास्ते 3 और 4, जिसमें आपको टाइम और टीम, ये दोनों चीजों को बहुत महत्वपूर्ण रखता है। टीम एक कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, कंपाउंडिंग तरीके से आपकी इनकम को ग्रो करते हुए आपको आगे की तरफ लेके जाता है। और उसके साथ में जब पैसा आना शुरू होता है तो फिर मैं ना रुकूं किसी के रोके से, वो गाना सुना ना, मुझको तो पिया ने देख लिया है रे धोखे से। तो धोखे नहीं, ये मौके से आपको ये सिस्टम मिला हुआ है, इस मौके को पहचानिए। अपने लक्ष्य को कैसे पहचाने, इस पर हम बात करेंगे, आपको 10 स्टेप में बताने वाला हूँ। उस 10 स्टेप की वजह से आप निश्चित रूप से बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ध्यान पूर्वक एक एक बातों को समझिएगा। हमारे नरसिंह साहू जी और तमाम डायनेमिक लीडर कहते हैं कि पेपर पेन लेके अगर आप बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आप नोट तो कीजिए, कभी आप मोटिवेशनल वीडियोस भी देखते हैं ना,
तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, पेपर पेन एक कॉपी को रफ कॉपी ले लीजिए, वहां पर जो चीजें आए तो वीडियो को पुश कीजिए और वो चीजें लिख लीजिए, तभी तो नई नई बातों को आप सीख पाएंगे और नए नए तरीके से अपनी बातों को अपने टीम के लोगों के साथ में रख पाएंगे। और कभी भी आप जब अपने डाउनलाइन को अपने सहयोगी पार्टनर्स को बताएं ये समझाएं तो ये मत बोले मैं नहीं करना, आपने बोला उस वीडियो के अंदर ऐसा बोला था, वो लीडर ऐसा है आज, इसीलिए वो वहां पर है और हम कहां पर हैं। तो थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, अपडेट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। अगर आप सब कुछ आप ही बोलोगे तो क्या बोलेगा, भैया आप तो दिल्ली में रहते हो यार, दिल्ली वालों को तो सब कुछ पता होता है, हम तो एक छोटे शहर में रहते हैं, छोटे गांव में रहते हैं, हमको क्या मालूम। तो वो अपने आप को साइड करेगा। और कुछ चीजें ऐसे डुप्लीकेशन करें, कभी भी ऐसा नहीं कि मेरे पास तो लैपटॉप है, मेरे पास तो बहुत महंगा वाला फोन है, ये सब आपको दिखानी है। सरल सिंपल तरीके से, एक तो हमारा प्लान बहुत सिंपल तरीके से, और आप सरल तरीके से जैसे सर ने पहले इश्यू किया हुआ इस फाइलों को मंगवाएं, फाइलों के माध्यम से आप बताएं तो ज्यादा झंझट नहीं है। ये काम तो अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, फाइल दिखा दिखा के तो बिजनेस को बना सकता है। आइए चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ, 10 स्टेप टू अचीव योर गोल। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के ये 10 कदम, पहला बिलीव, विश्वास करना। आप उस परमपिता परमेश्वर पे विश्वास कीजिए जिन्होंने आपको इस दुनिया में भेजा है, 84 लाख योनियों के बाद में कुछ कर गुजरने के लिए भेजा है, मर खपने के लिए नहीं भेजा है, जीवन में सुबह सुबह की ट्रेनिंग लेने के लिए। मैं बड़ा खुश होता हूँ कि आयरिच के इस कमांडो ट्रेनिंग के अंदर सुबह सुबह 1000 लोग बन जाते हैं। मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करी, बहुत सारी सफलता की पाठशालाएं देखी, लेकिन वहां इतने लोग नहीं थे। निश्चित रूप से यहाँ लोग पैसा भी बनाते हैं और अपनी बातों को बेहतर तरीके से रखते ताकि किसी के दिल तक उस बात को पहुंचाया जा सके। ये दिल का मामला है। तो विश्वास कीजिए उस परमपिता परमेश्वर पर, उसके बाद में अपने जो उन्होंने आपको इस बिजनेस में शामिल किया है, हो सकता है मैंने पहले कहा कि वो हो सकता है वो कम जानता हो, वो जानता नहीं, वो हो सकता है इस बिजनेस में वो हो ही नहीं, आपको ज्वाइन करा के आपको छोड़ के भाग गया हो या कोई भी मजबूरी हो, लेकिन फिर भी धन्यवाद दीजिए, कृतज्ञता प्रकट कीजिए जिस व्यक्ति के माध्यम से ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आया है, और उसके बाद धन्यवाद दीजिए जिनको आपने मेंटरशिप बनाया है। निश्चित रूप से आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। दूसरा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 10 कदम में आप गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू, आपका जो सपना है वो आपके सामने होना चाहिए। कई बार बोला अरे सर मैं तो बड़े मर्सिडीज का सपना बनाया था सर, दीवार में चिपकाया था सर, मैंने तो वो बंगले का सपना बनाया था सर। लोग हंसते, घर वाले भी गालियां देते हैं क्योंकि अभी तक तो हुआ नहीं, और बोलते कि अरे बेटा कितनी कंपनियां बदलेगा, कहीं जॉब कर ले। वो कहता है जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। ऐसा होता है, पहली बार में किसी ने एरोप्लेन बनाया तो लोगों ने कहा अच्छा अब इंसान को हवा में उड़ाएगा, और जैसे ही वो उड़ाने की कोशिश किया तो गिर गया, लोग हंसने लग गए, लेकिन उस लोगों की हंसी पे ध्यान नहीं देकर उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया, उन्होंने सोचा कि क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ, और उस बेहतरी के लिए उन्होंने फिर से प्रयास किया। तो माय डियर लीडर्स, आप लोग अपने लक्ष्य को अपने पर्स पे लिखिए। कई लोग देखते हैं बहुत, मतलब वो वॉलपेपर होता है ना, बहुत सारे गूगल पे मिलते हैं, ऐसी लड़कियों की फोटो लगा रखी है, मतलब उसका लक्ष्य वो लड़की रह गया, या कभी ऐसे फोटो लगा रखी है उन्होंने पता नहीं वो क्या, या अपनी फोटो लगा रखी है, किसी ने तो बीड़ी पीते हुए फोटो लगा रखी है। अरे भाई तेरा लक्ष्य वो बीड़ी पीना है क्या? अरे लक्ष्य पे आपका ये होना चाहिए भाई, बहुत अच्छे से बहुत सारे नोट के बंडल हो, या आप इमीडिएटली अभी 5000 का सीलिंग अचीवर बनना चाहते हैं तो आप सीलिंग अचीवर कैसे बनते हैं वहां स्क्रीनशॉट लीजिए, राजकुमार बनर्जी का और भी तमाम ऐसे लीडर्स है, आपका मेंटर अपलाइन है, उसका आप वॉलपेपर लगाइए अपने मोबाइल फोन पे, तो डेफिनेटली आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल दीवार पे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको हर जहां पर आपकी निगाह जाती है वहां पर लक्ष्य लिख के टांगिए या चिपकाइए, या आपको क्या चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज हाईरिस्क को ज्वाइन किया और अभी बना दिया जी मेरे को तो 2022 में मर्सिडीज बेंज कार लेना है। अरे भाई 10,000 रुपए तूने कभी नेटवर्क मार्केटिंग में कमाया नहीं, तेरे को पहले मर्सिडीज बेंज चाहिए, पहले बाइक अच्छी वाली कैसे लेनी है, पहले अच्छे ड्रेसेस कैसे लेने, ये लक्ष्य होना चाहिए, उठपुटांग लक्ष्य। अभी तक आपको बड़ी बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में बड़ा बंगला, बड़ा घर, देश विदेश की यात्राएं, ये बताया है, कभी ये नहीं बताया कि अच्छे कपड़े भी कैसे पहनने। पहले आपने ये कई सालों से आपने अंदर की टी शर्ट नहीं चेंज करी है, वो कैसे चेंज करना है, इस बारे में अगर आप बात करें तो डेफिनेटली आपको मर्सिडीज बेंज भी मिलेगा, बीएमडब्ल्यू भी मिलेगा, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत छोटे छोटे से, पहले छोटे छोटे सपनों को पूरा करते हुए हम बड़े सपने तक पहुंच सकते हैं। तो अपने गोल्स को अपने सामने रखिए। थर्ड, आपके अंदर डिटरमिनेशन,
स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु निर्धारित करें, पहले आपने क्या क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें इस काम की शुरुआत करते हैं, आपको फोर बेसिक में ध्यान रखना है। मैंने एक दिन बताया था कि लिस्ट मेकिंग, आप लिस्ट तो बनाइए। अब ये बोलिए नहीं फेसबुक में मेरे तो 1000 फ्रेंड है, मेरे मोबाइल फोन में 3000 लोग हैं। अरे भैया मोदी को सब जानते हैं, लेकिन मोदी कितने को जानता है ये तो देखना पड़ेगा ना भाई। आप उनको जानते हो लेकिन क्या वो आपको जानता है? उसने कभी आपको आइडिया का सिम, वीआई का सिम बेचने के लिए फोन किया, वो भी आपकी लिस्ट में आ गया है? आगे अच्छी बात है, आपकी पेपर पेन में होना चाहिए उसके प्रारंभिक लिस्ट में। ये बता रहा हूँ कि लिस्ट मेकिंग, सबसे पहले सपने की लिस्ट बनाइए। आपको बेसिक, अभी ये बिजनेस क्यों किया, 3 महीने में आपको होम क्रेडिट का या बजाज का फाइनेंस खत्म करना है, आपको क्रेडिट कार्ड का पेमेंट देना है, ये भी आपको उन सपनों का लिस्ट है। आप डेट फ्री होना चाहते हैं यानी कि लोन मुक्त होना चाहते हैं, ये भी आपके एक सपनों की लिस्ट है। और उसके साथ में फिर बनाइए लोगों की लिस्ट, क्योंकि इस बिजनेस का जो कच्चा माल है ना, वो कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, वो है लोग। तो लोगों की लिस्ट बनाइए। अच्छा फूफा का लड़का है ना, उनका बनाइए, किसी का भी बनाइए, लेकिन लिस्ट बनाइए। मैंने ये नहीं कहा कि उनको प्लान दिखाइए, वो तो बहुत पैसे वाले हैं, वो तो सर वो तो गवर्नमेंट जॉब में वो कहां करेंगे, ये आप प्लीज जज मत कीजिए सर। अगर आप नहीं बताएंगे तो कोई वो किसी और कंपनी में या किसी और लीडर के साथ में अपने आप को कनेक्ट कर लेगा। तो आप लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाने के बाद में कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, उनको आप संपर्क करने का तरीका अगर नहीं आता तो अपने अपलाइन से पूछिए, या बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं कि कैसे कॉन्टेक्ट किया जाए। और मोहम्मद इलियास जी ने लास्ट टाइम बताया था बिलासपुर से कि हमें वो कौन से ऐसे तीन चार तरीके हैं जिससे हमें अपने अभिवादन का काम शुरू करना चाहिए, कि डिस्कशन कैसे करना चाहिए, तो मैं उन पे नहीं जाऊंगा। आपको कॉन्टेक्ट एंड संपर्क के बारे में समझना होगा, उसके बाद में आपने क्या करना है। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट का मतलब होता है संपर्क व आमंत्रण। तो आमंत्रण किस लिए? आमंत्रण जूम मीटिंग में आने के लिए, आमंत्रण आपके एरिया में कोई अगर मीटिंग सेमिनार हो रहा है तो वहां पर उनको भेजने के लिए आमंत्रित करना होता है। उसके बाद में क्या होता है वहां पर, जूम में क्या होता है या फिर वहां पर क्या होने वाला है, एसटीपी शो द प्लान, प्लान प्रेजेंटेशन होता है। तो ध्यान पूर्वक उनको बोलिए कि अगर आपको 3 महीने के दौरान अगर 5-7 हजार रुपए महीने का भी, देखिए लेवल वाइज बात करना है, वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करता है उसकी, अगर वो व्यक्ति कहीं गवर्नमेंट जॉब में है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, अच्छे से बैंक में काम कर रहा है, तो उनको बताइए कि अगर आपको आपकी सैलरी के बराबर अगर 90 दिनों के अंदर अगर आना शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा, पूछिए तो सही, भविष्य दर्शन कराइए, है ना। तो वो चीजें आप करोगे तो वो कहेगा यार ये तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन मैं लोगों को नहीं जोड़ सकता यार, देख भाई तू बुरा मत मानियो। तो भाई लोगों को जोड़ना नहीं है, लोगों को जागरूक करना है, अपनी बात को पहुंचाना है। अब निर्णय लेना वो उस लोगों का काम है, आपका काम नहीं है कि ये करेगा नहीं करेगा, वो खुद ही सोचेगा, पर ठीक तरीके से वो देख तो सके। तो ये प्रारंभिक बिंदुओं में आता है आपको। और लास्ट में क्या करना होता है, जब वो प्लान देख ले तो उसको क्या करना है, फॉलो अप करना है, पूछताछ। आप तो घबराते हो सर वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा, तो पहले ही बोल दो भैया इस बिजनेस को आप करोगे करके मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको मैं ये सोचकर नहीं बता रहा हूँ कि आपको करोगे करोगे या आपको जरूरत है ही है, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि एक सही जानकारी है और जानकारी को आप ले लीजिए ताकि कोई दूसरा व्यक्ति बताए तो उसको आप सजेस्ट कर सके, हाँ यार ये अच्छा काम है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं, और मेरा फोन जरूर उठाना। पहले ही ये तय कर ले, कभी ये मत सोचना कि मैं बार बार फोन कर रहा हूं तो आपको हमारे साथ काम करना ही पड़ेगा। अगर आपको समझ में आया या पैसे की कमी है तो भी आप यहाँ पर फ्री रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं। तो ये प्रारंभिक बिंदु के अंदर ये आपने अगर उसको कॉन्टेक्ट एंड संपर्क के टाइम पे बोल दिया है तो फॉलो अप करना आसान होता है, और उसके बाद में आपके बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। जरूरी नहीं कि आपने 10 लोगों को बताया तो 10 के 10 करेंगे, शुरुआत में वो 10 के 10 भी नहीं करेंगे। तो अपने आप को हताश निराश नहीं होना है, आप अपने काम पर लगे रहिए। आपको 5 लोगों को दिन में कम से कम अपनी बातों को रखने का माध्यम ढूंढना है, और 5 जो आए हुए लीडर्स है उनको अंदर वो प्रेरणा देनी है कि वो कैसे आगे बढ़ सके। बस ये करते रहे, आप अपना कर्म करें फल की इच्छा छोड़ दे बोलते हैं ना कई बार, तो ये कर्म तो कीजिए। आप भगवान कसम आप 1 महीने में सीलिंग अचीवर बन सकते हैं। अगर आज आपने बिजनेस को साइन अप किया है, कल साइन अप किया है, तो अगले 30 डेज के अंदर आप यहाँ पर सीलिंग अचीवर बन सकते हैं। अगर 5 प्लान रोज इस बिजनेस का कोई सबसे बड़ा सूत्र है तो शो द प्लान। अगर बहुत सिर दर्द हो रहा है तो प्लान कीजिए, बहुत मजे आ रहे हैं तो प्लान कीजिए, दिमाग खराब हो रहा है तो प्लान कीजिए, दिमाग बहुत मस्त हो रहा है तो भी प्लान कीजिए, आपके अप्लाई ने अच्छा अचीवमेंट लिया तो प्लान कीजिए, आपका चेक बहुत ज्यादा अच्छा बन गया तो भी प्लान कीजिए, आपका चेक नहीं बन रहा तो भी प्लान कीजिए। बस प्लान करते ही
करते जाइए करते जाइए, आपको बड़ी सफलता अपने आप कब सीलिंग अचीवर बन गए, कब 5000 पर डे की इनकम को टच कर गए, आपको खुद भी पता नहीं चल पाएगा। तो ये प्रारंभिक बिंदुओं में, ये तीसरे नंबर में मैंने बताया कि प्रारंभिक बिंदु को निर्धारित करें, और चौथा फाइंड योर वाई, आपने ये काम क्यों किया, आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपने इसको क्यों चयन किया। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग जैसे हमारे राजकुमार मनोहर सर बताते हैं कि आप एक टॉपलर करके वेबसाइट है वहां पर जाइए और हर कंपनी का जो इंडियन कंपनी उनके औकात चेक करके आई और उसके बाद में देखिए कि ये कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, कंपनी इतना पैसा कहां से बांटती है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, लेकिन इसको लॉजिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ पाएगा कि कंपनी कैसे निर्धारित करती है और कैसे। देखिए मैं कल मॉर्निंग में पेटीएम का मैं देख रहा था तो उसमें ज्यादा डिस्काउंट पाने के लिए उन्होंने बोला मेरे को 899 रुपए का प्राइम मेंबरशिप लीजिए। आप यूट्यूब में जाइए प्रीमियम लेना है तो वहां पर भी कुछ डॉलर का डिमांड करता है। आप फ्लिपकार्ट में जाइए, अमेजोन में जाइए, आप में से कई लोग फोन पे से फोन रिचार्ज करते रहेंगे, अभी कुछ टाइम से उसमें सरचार्ज लगना शुरू हो गया है, वहां पर भी एक प्राइम मेंबर जैसा सिस्टम अभी आ रहा है। तो समझिए कि वैसे ही आपने हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के साथ प्राइम मेंबरशिप लिया 750 रुपए और यहाँ से एज ए गिफ्ट आपको 750 रुपए की वैल्यू का कोई प्रोडक्ट दे रहा है, उसके लिए 50 रुपए कोरियर चार्ज, इनके 800 रुपए से काम की शुरुआत हो जाती है। बड़ा सिंपल तरीके से, सरल तरीके से बिजनेस को करने की कोशिश कीजिए, डिफिकल्ट तरीके से मत कीजिए, पुराने अनुभव को लेके आप उसको यहाँ पर मत घुसाइए, नहीं तो आप वहीं अटके रह जाएंगे और आपके आपको के सामने देखते देखते लोग पैसा बनाएंगे। कई लोग कहते हैं यार तुमको बनाने में बड़ा महारत हासिल कर रखा है, एमबीए करने के बाद में उसको क्या सिखाया जाता है, गंजे को कंघी बेचना ही तो सिखाया जाता है। तो ये तो आप सरल तरीके से सरल बातों को रखिए, सरलता से भगवान की प्राप्ति हो पाएगी, बड़े बड़े तब से वो काम नहीं होता जितना सरल बनने से काम हो सकता है। तो फाइंड योर वाई, आपने क्यों इस बिजनेस को किया ये ढूंढिए आप अपने आप से, और आगे चलते हैं आइडेंटिफाई द ऑब्स्टिकल्स, बाधाओं को पहचानिए। अच्छा क्या क्या दिक्कतें हैं, सबसे पहले घर में बाधा है, घरवाली नहीं कह रही कि ये काम मत करो इससे कुछ होता नहीं है, फिर तुम बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो, उसका कहना जायज है क्योंकि अभी तक आपने कुछ नहीं किया, या आपने बहुत सारे ऐसे लीडर्स बने होंगे, अभी बोले लीडर किसको बोलते हैं सर, जो अपने टीम को लीड करने वाला होता है वो लीडर्स कहलाता है, तो उसने कभी ऐसा किया नहीं होगा या कमाया होगा उसने पैसा लेकिन घर तक नहीं पहुंच पाया होगा। घर तक क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि बीवी और पीवी मेंटेन करने के लिए ही अगले महीने का पे आउट लेना है, तो वो 20,000 रुपए की व्यवस्था कर रहा है 20,000 के प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, तो वहां से अभी पिछले महीने कमाया था 20,000 का, उसने फिर से प्रोडक्ट खरीद लिया तो अब उसको लगता है कि वो 25,000 रुपए का पे आउट बना पाएगा। तो माय डियर लीडर्स, आपको समझना है ये बाधाओं को पहचाने और उनको कैसे सरल तरीके से अपने एक्टिव इफेक्टिव अप्लायंस से डिस्कस करके उसको शॉर्ट आउट करें। आइए चलते हैं छठा, नॉलेज स्किल एंड रिसोर्स। नॉलेज स्किल एंड रिसोर्स, ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण रखती है। आपको नॉलेज कहाँ से मिल रहा है, तो नॉलेज वो गलत लोगों के साथ में बैठने से भी मिल सकता है, अरे यार कहाँ लगा हुआ है तू, अब तो क्रिप्टो करेंसी का जमाना है इसमें होना क्या है, वो बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ा बड़ा नाम बताकर अपने आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाली बातें करके, मैं आपको बताऊं कि आज असल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या चीज है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन में होगी, लेकिन वो कंपनी ब्लॉकचेन में नहीं होती। जो कंपनी ब्लॉकचेन में होती है वो क्या अपने आप को बदल देगी, कभी बोला इथेरियम में चलता था, कभी यूएसडी डॉलर में चला गया, कभी कहीं चला गया, तो कुछ भी ब्लॉकचेन नहीं है। ब्लॉकचेन सिर्फ वो क्रिप्टोकरेंसी है, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे टीआरएक्स हो, चाहे बिटकॉइन हो। तो ये चीजों को समझना है, इसीलिए वो कंपनी कब गायब हो जाती है पता नहीं चलता, ब्लॉकचेन का झांसा देकर। तो ज्ञान कहां से मिल रहा है उसको भी समझना है, अपने अंदर के स्किल को निकालिए, कौशल को निकालिए, आप किस में बेहतर हो सकते हैं, आप बोलने में बेहतर हो सकते हैं, आप प्लान प्रेजेंटेशन करने में बेहतर हो सकते हैं, आप लोगों को अपनी बातों को रखने में बेहतर हो सकते हैं। एक हर आदमी के अंदर एक स्किल छुपा हुआ है, उस स्किल को पहचानिए, और ज्ञान और कौशल यानी कि नॉलेज और स्किल के साथ में आप ये संसाधन कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ में काम करके अपनी बातों को रखने का मौका मिल सकता है। हो सकता है आपने पैसे के लिए नहीं ज्वाइन किया हो, आपने अच्छे मित्र के लिए ज्वाइन किया हो, बिजनेस को अच्छे लोगों से अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करें, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएं, क्या आपके अंदर वो छुपी है, क्या बातें रखना चाहते हैं। तो ये सब चीजें कहां से हो सकती है, इसके लिए रिसोर्स क्या है, इनको जानना बहुत जरूरी है। तो ज्ञान कौशल और संसाधन सब कुछ आपको हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में मिलने वाला है, बस अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और 90 दिन का कोई टारगेट बनाइए, 90 दिन में ये चीजों
तक मेरे को कंप्लीट करना है। तो देखिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप आगे बढ़ना शुरू कर पाएंगे। फाइंड राइट पीपल, और सही लोगों को खोजिए। सबसे पहले अपने आप को खोजिए कि मैं सही हूं कि नहीं। तो हर तरफ से ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ही सही हूं सामने वाला गलत है। हो सकता है मैं गलत हूं सामने वाला सही हो, लेकिन ध्यान पूर्वक वो मंथन करने से पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है, और इसमें रिस्क क्या हो सकता है, ये तमाम चीजों को जानना है। लोग क्या कहेंगे, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। करोगे तो अरे तू कुछ करता ही नहीं है, और कर और नहीं करोगे तो बोलेगे ना कि भाई तू कुछ करता ही नहीं, और करोगे तो कह रहे अभी यही काम मिला है तेरे को। तो उनसे पूछो भैया तू बता मेरे को, मैं 10वीं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अब मेरे को 1,00,000 रुपए महीने की इनकम चाहिए, तो बता मैं क्या करूँ। है हंसेगा, तू पढ़ लेता तभी तो कमाएगा 1,00,000 रुपए, ऐसे थोड़ी होता है। या तेरे पास पैसा होना चाहिए तो कोई ट्रेडिशनल बड़ा बिजनेस कर ले। उसको ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता नहीं है कि जहां पर 5वीं पढ़ा लिखा व्यक्ति 1,50,000 रुपए महीना भी कमाता है। तो फाइंड राइट पीपल, तो राइट पीपल कहाँ मिलेंगे, हमारे जूम सेशन में मिलेंगे, आपके एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन के संपर्क में आने वाले वो लोग मिलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 5 से 10 लाख रुपए कमाने वाले वो लोग आपको मिलेंगे, सही लोग जिनसे सीखने को मिलेगा। हर व्यक्ति का एक आभा मंडल होता है, जैसे भगवान मानते हैं ना कि गुरु नानक जी हो गया, श्री राम हो गया, या कोई भी हो गया, किसी भी धर्म में हो गया, जब हम किसी को पूजते हैं या किसी के लिए एक सम्मानित नजरों से देखते हैं, एक परम पिता परमेश्वर को देखते हैं, तो हर व्यक्ति हर उस शख्स के पीछे एक आभा मंडल होता है जो चक्र जैसा होता है। आप जब अच्छे लोगों के संपर्क में रहोगे तो अच्छे लोगों का ओरा आपके ऊपर आएगा और आप भी अच्छे बन जाएंगे। अगर आप जाने अनजाने में ऐसे लोगों के संगत में रह गए जो शाम को टाइम होते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है उनको, तो आपको भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो सही लोगों को खोजिए। और आठवां, मैं के प्लान, एक योजना बना लें, एक प्लानिंग होना चाहिए। प्लान कई लीडर कहते हैं ना प्लान काम नहीं करता, आपकी प्लानिंग काम करती है। तो प्लानिंग बेहतर तरीके से कीजिए, आप बेस्ट क्या कर सकते हैं। अच्छा अभी 1,50,000 रुपए इतना ही, हम हीरो नहीं बन गए। अगर 4,00,000 रुपए आ गए तो अभी हीरो नहीं बन गए, अभी तो बहुत आगे जाना है, 40,00,000 रुपए पर मंथ की इनकम तक जाना है, अभी तो आगे बहुत सारे रिकॉर्ड बनाने हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कहते हैं हम यहाँ आए हैं तो रुकने के लिए नहीं, आगे जाने के लिए। तो हम हाईरिच के अंदर आए हैं तो रुकने के लिए नहीं, इससे भी आगे जाने वाले हैं। हाईरिच को उन बुलंदियों तक पहुंचाते हुए हमें कर दिखाना है वो जो दुनिया करना चाहता है। तो माय डियर लीडर्स, आपके पास योजनाएं होनी चाहिए। अपने योजना के बीच में, ये सर उनका तो बच्चा हुआ मेरे फ्रेंड का, एक लीडर मेरे को बोला कि सर भैया आप 4-5 दिनों से तो फोन ही नहीं उठा रहे, और वो कह रहे सर मेरी मनी लेग में तो आप डाल देते, जो बीकर होता ना जहां से इनकम जनरेट होता है। सर अगर आईडी दे ही रहे हो तो फिर पावर में क्यों दे रहे हो, आपका तो पावर चाहिए डालो चल डालो। तो ऐसे ऐसे महान लोग आपको टीम में मिलेंगे, मतलब उनका दोनों कर दो, मतलब शादी भी कर दो बाकी का काम भी आप ही कर दो, वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ लेबल लगाने के लिए आया हुआ है। तो माय डियर लीडर्स, अपने आप को समझिए कि अपने हिस्से की मेहनत आपने ही करनी है। कभी भी इमोशनल हो गए, चल भाई तेरा दोनों लाइन चलाता हूँ, तू मेरा अच्छा दोस्त है। अगर अच्छे दोस्त को खराब करना है, रिलेशन खराब करना है, तो उसकी दोनों लाइनें चलाइए आप। अदरवाइज आप उसका, अगर आप काम करना चाहते हैं तो उनका एक पावर बिल्डअप कीजिए आपके काम करने से। अगर वो काम करे ना करे, आपने हमने तो काम करना ही है, तो एक योजनाबद्ध तरीके से आप काम को आगे बढ़ाइए। नौवां, विजुलाइज कीजिए और कल्पना कीजिए कि मैं 90 दिनों के अंदर यहाँ से 1,50,000 रुपए महीने की इनकम को टच कर चुका हूँ। बार 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 सुबह सुबह उठते भगवान परमपिता परमेश्वर का नाम, माता पिता का नाम, और उसके बाद में अपने अच्छे दोस्तों का नाम लेते हुए आप संकल्प के साथ विजुलाइज करें कि मैं अब महीने की ये वाली इनकम को अचीवमेंट कर रहा हूँ, मैं प्राप्त कर रहा हूँ, मैं 1,50,000 रुपए महीना कमा रहा हूँ। कम से कम 21 बार तो बोलिए। अगर आपने 21 बार 21 दिन बोला तो आप खुद अद्भुत अपने रिजल्ट को आप खुद प्राप्त कर पाएंगे। और 10वां, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानिए। 10 लोगों को प्लान दिखाया नहीं आया चलेगा, आपने 20 को दिखाया नहीं आया चलेगा, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो आपके अंदर मास्टरी आनी शुरू हो जाएगी। और आप शुरू में 10 को दिखाओगे तो 1 को भी समझ में नहीं आएगा, फिर 20 को दिखाओगे तो 1-2 को समझ में आएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जिसके सिर पर हाथ रख दोगे, वही हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का मेंबरशिप लेते हुए आपको इस दुनिया में महानता की तरफ लेके जाएगा। तो माय डियर लीडर्स, मैंने आपको ये 10 स्टेप बताए जो आपको आपके लक्ष्य को प्राप्ति के लिए बहुत मददगार हो सकते हैं। बिलीव कीजिए अपने आप में, गोल्स इन फ्रंट, अपने सपनों को अपने सामने रखिए, डिटरमाइन स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदुओं को समझिए, फाइंड योर व्हाई, आपने क्यों किया इसको समझिए। जी हाँ, ये बेहतर इनकम दे सकता है आपको 90 दिनों के अंदर, जो आपको कॉलेज की पढ़ाई करने के बावजूद भी एक कंपटीशन के दौर पे आप 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए धक्के खाएंगे, उसकी जगह 90 दिन इस बिजनेस को सीखने के लिए मत जुड़िए। एक भी आदमी ना जुड़े, एक भी आदमी आपकी बातों को ना सुने चलेगा,
लेकिन आप अपने दिल की सुने और लगातार 7:30 के सेशन को और सुबह सुबह की 6:30 के कमांडो कोबरा ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करते रहिए, और कब आप ट्रेनर बन जाएंगे आपको खुद मालूम नहीं पड़ेगा। और आइडेंटिफाई द ऑब्स्टेकल, आपकी जो बाधाएं उसको पहचानिए, नॉलेज स्किल एंड रिसोर्स को निखारिए अपने अंदर, और फाइंड राइट पीपल। और आठवां, मैं की प्लान, आप अपने साथ खुद की प्लानिंग कीजिए और अपने सपनों को विजुलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए कि मैं कर रहा हूँ, और इसको कभी बीच में किसी की बातों में आकर मत छोड़िए। देखिए इतिहास गवाह है, जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। 5 सवाल अपने आप से जरूर पूछिए, क्या आप अपनी वर्तमान आमदनी से संतुष्ट हैं? क्या आप आपकी वर्तमान आमदनी आपकी वर्तमान की हर जरूरत को पूरी कर पा रही है? आपका जो इनकम है, जो आप महीने की सैलरी ले रहे हैं, क्या वो उससे पूरा हो पा रहा है? ये अपने आप से पूछिए, क्या आपके पास बेटी की शादी या किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए पर्याप्त आर्थिक व्यवस्था है? क्या आप माता पिता और बच्चों के सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? क्या आपको व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त अवसर मिल पा रहा है? अगर जवाब में इनमें से 5 बिंदुओं में से अगर नहीं आता है, तो इस बिजनेस को आज से सीरियस कीजिए, सीरियसली कीजिए, और कर दिखाइए, फिर से कहूंगा, कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। जय हिंद, जय भारत, जय नेटवर्क मार्केटिंग। आगे की सेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा राजकुमार मन्ना जी को, और जाते जाते यही कहना चाहूंगा, आपने ध्यान पूर्वक इस सेशन को सुना, इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले नेक्स्ट सेशन में फिर से आपसे मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, प्लीज मोस्ट वेलकम मिस्टर राजकुमार मन्ना सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। डियर लीडर्स, आर यू रेडी? सर ने इतने शानदार जानकारी दी, इसके लिए सर को एक बार रेडी, आई एम रेडी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मोहम्मद वेस मधुबनी बिहार। थैंक यू सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। मिस्टर आशीष साहू फ्रॉम दिल्ली, हमारे बीच में पूरे हजारों लोगों को आज इस मंच में आपने ट्रेन किया, अपने आप को बताया कि हम नहीं, हम सब लोग मिलकर एक दूसरे से लिख सकते हैं, और आज तक के सपने अधूरे हैं उसको सब मिलकर एक दूसरे का पूरा दे। तो डियर सर, जो भी होस्ट हैं अपने आप को म्यूट करें। तो आइए चलते हैं आज के सेशन में, हमारे साथ